चंडीगढ़ पुलिस ने चार नौजवान फड़े ने जिहड़े कि लोगों के घर कूड़ा चकन का काम करते सी, पर कदों उन्हां दी अखां ओल्यों उन्हां दे टू व्हीलर ने जिहड़े चोरी कर लैंदे सी, शायद वह भी नहीं जानते होने। इन्हां दा चोरी की घटना नूं अंजाम देण दा तरीका है जिहड़ा वह यह सी कि जदों इह लोगों के घर कूड़ा चकन जाते उसकी निशाने पर बना लेते कि आखिर किसी का मोटरसाइकिल चकना या फिर स्कूटी। तुसीं आप ही सुनो पुलिस ने जब इन्हां नौजवानों नूं फड़िया तो किस तरह की गुत्थी सुलझ के सामने आई जो कि तुहानूं भी चुका देवेगी। चार लोग हमने गिरोह अरेस्ट किया है, चारों के चारों हमारे यहाँ गार्बेज कलेक्टर का काम करते थे चंडीगढ़ में, और गार्बेज कलेक्शन करते समय ये लोग डोर टू डोर जाते थे और गार्बेज कलेक्शन करते थे। उसी समय ये लोग देखते थे कि कौन से टू व्हीलर अबैंडन स्टेट में हैं या घर से दूर खड़े हैं जिनको ये लोग चोरी कर सकते हैं। बाद में जब इनको मौका मिलता था वो टू व्हीलर की चोरी किया करते थे। ये लोग आगे व्हीकल्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे, बट इससे पहले कि ये लोग आके किसी को बेच पाते हम लोगों ने इनको नैप किया। इनके यहाँ से टोटल 9 टू व्हीलर्स और एक बैटरी रिकवर हुई है, और इसी के साथ इनके ग्रुप का बढ़ना शुरू। कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? चंडीगढ़ के रेजिडेंट हैं, पीछे से ये लोग हरियाणा। पहले में क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, पहली बार चंडीगढ़ में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अभी तो इन चार लोगों का ही हमें डिस्क्लोज हुआ है, बट हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे अगर लोगों के घर कूड़ा चकन का काम करने वाले नौजवान उन्हां दे टू व्हीलरां नूं अपने निशाने ते लैंदे सी ते देख लैंदे सी कि आखिर किहड़ा सौखे तरीके दे नाल कोई स्कूटी या मोटरसाइकिल चक्या जाऊ। पुलिस ने इन्हां नूं उदों गिरफ़्तार करिया जदों कि पुलिस नूं लगातार शिकायतां मिल रही सी कि यह टू व्हीलर चोरी हो रहे हैं। तो पुलिस की टीम घोख दे विच लगी ते जदों ये नौजवान ने जिहड़े इन्हां मोटरसाइकिल स्कूटरियां नूं बेचना चाहुंदे सी तां पुलिस ने इन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि पुलिस अगे भी जाणबीन कर रही है कि इन्हां ने पहलां भी किसी घटना नूं अंजाम दिता है या फिर यही इन्हां दा पहला कार। हमारे यहाँ स्पेशल एमवी थेफ्ट की टीम्स बनी हुई थी, तो वी वर वर्किंग ऑन रिस्क की टू व्हीलर्स की चोरी कौन कर रहा है, और इसी के बेस पे हमने इन्फॉर्मेशन डेवलप करना शुरू किया कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा हो या कोई ग्रुप एक्टिव हो। तो बेचने की कोशिश में ये लोग पकड़े गए। ओनली टू व्हीलर इनके साथ पकड़ा गया है, अभी तक टू व्हीलर ही बरामद हुए। चंडीगढ़ पुलिस की गल तुसीं ध्यान नाल सुनी होनी। इस खबर दे विच भावें कोई महंगे मोटरसाइकिल या स्कूटरियां नहीं हैगियां, पर सब तो वड्डी गल है चुका देने वाली जिहड़ी कि तुहानूं भी हैरान परेशान तो कर सकती है, पर एक सबक जरूर दिंदी है कि आखिरकार तुहाडे घर बाहर का कोई भी शख्स आउंदा है तां उहते यकीन ना करो, बल्कि पुलिस वेरीफिकेशन करवाउणा किन्ना जरूरी हो गया वह भी इस वारदात के खुलासों तों बाद सामने आउंदा है। तां सबक ही कि आखिरकार तुसीं किसी ते भी यकीन ना करो, तो उल्टा तुहाडे घर खासकर जिहड़े लोग रोज़ आउण जाण वाले ने उन्हां दी पुलिस वेरीफिकेशन जरूर कराओ ताकि इस तरह दीआं घटनावां अगे वास्ते सामने ना आउण, ते खासकर तुहाडी मेहनत दी गाड़ी कमाई ते कोई होर ही हाथ साफ ना कर जावे।